मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई। यहाँ पे एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना थाना क्षेत्र में 20 अवैध पिस्टल पकड़ी है, जिसमें 3 आरोपियों को भी पकड़ा है। चौथा नामजद आरोपी है, सिकलीकर है, वो फिलहाल फरार है। ये जो मुख्य दो आरोपी पकड़ा है, ये कैरियर का काम करते थे, ये लाना लेना का काम करते थे, ये कोरियर का काम करते थे, और ये खंडवा के खालवा के हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ये पूरी जो मशरूका है, जो 20 ऑटोमेटिक पिस्टल है, ये करीब 2 लाख रुपए की है। चुनाव को देखते हुए एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बुरहानपुर में 20 पिस्टलों को पुलिस ने पकड़ा है। खटनार पुलिस की इसमें सराहना रही है। आपको सुनिए क्या कहा एसपी देवेंद्र पाटीदार ने। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। संजय दुबे, बुरहानपुर। बहुत ही नजदीक है और लगातार असामाजिक तत्वों और कानून व्यवस्था को मद्देनजर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में खटनार पुलिस के द्वारा भी एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है। अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया है। कल 25-8 को शाम के वक्त जो मुखबिर की सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पे खटनार पुलिस एक्टिवेट हो के उनकी टीम के द्वारा 2 युवकों को पकड़ा, जिसमें कि श्याम पिता थान सिंह और सुनील पिता मांगीलाल, ये दोनों मालगांव खालवा के रहने वाले थे, बाइक से थे। इनको पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ की और इनको जब तलाशी ली गई, तो इनसे प्रत्येक से 4-4 पिस्टल, कुल 8 पिस्टल इनसे जब्त हुए। जब इनको इंटरोगेट किया तो ये रविंद्र पिता प्यार सिंह नांदूर कला का है, इससे ये खरीदना बताया। इसके लिए जब दबिश वगैरह दी और इसको पकड़ा, तो इससे 12 पिस्टल फिर जब्त हुए। ये कैरियर का कार्य करता था। इसने जिनसे ये ले के आना बताया है वो हरविंदर पिता हरमन सिकली का है, उसके लिए यहाँ भी दबिश दी। अभी हरमंदर फरार है, किंतु ऐसे कुल खटनार पुलिस ने 20 पिस्टल, जो करीब 2 लाख रुपए से अधिक है, और एक बाइक, इसको जब्त किया। बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस कार्य में हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी नेपा अलावा जी और खटनार पुलिस की पूरी टीम, जिसमें निरीक्षक विनय आर्य, सब इंस्पेक्टर अमित हनोतिया, अक्षय आरक्षक गोलू खान, शादाब विजय सोनी, ये सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और सभी ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है। निश्चित रूप से ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और ये अवैध हथियारों की जो भी ऐसी गतिविधि है उसको पूरा नियंत्रण किया। इसको अभी पकड़ा है, अब ये सारी चीज़ें इंटरोगेशन के अंदर और क्लियर होगी, क्योंकि ये सामान्यतः 5-6 हज़ार रुपये के अंदर खरीदते और मार्केट में 10-1 हज़ार रुपये के अंदर बेचने का कार्य था। इन्होंने खरीदा था अभी, ये अलग अलग जगह भी इस तरह की चीज़ों को बेचते हैं। पिस्टल है बुरहानपुर की। पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।